8 अगस्त को क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय बल्लारपुर क्षेत्र के समक्ष भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ। धरना प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश के उपाध्यक्ष विवेक अल्लेवार ने उपस्थित कामगारों को संबोधित करते हुए संगठन द्वारा मांग पत्र के बारे में जानकारी दी। संचालन हनुमंतु भंडारी उपाध्यक्ष वर्धा वैली ने किया। योगेंद्र यादव महामंत्री वर्धा वैली ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड समन्वय समिति के माध्यम से वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक को 55 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन नोटिस दिया गया है, जिसके तहत प्रथम चरण में 28 जुलाई 2022 से WCL के सभी खदानों में द्वार सभा लिया जा रहा है। द्वितीय चरण में 4 अगस्त से WCL के सभी उपक्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। तृतीय चरण 8 अगस्त को WCL के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। चतुर्थ चरण में WCL मुख्यालय नागपुर के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पांचवें चरण में 29 अगस्त से सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष क्रमिक अनशन किया जाएगा। फिर भी प्रबंधन ने कामगारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो संगठन को मजबूरन डिस्पैच बंद एवं हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही पिछले दिन आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में धरना प्रदर्शन में उपस्थित कामगारों के बारे में जानकारी दी। सभी से आह्वान किया गया कि कामगारों की समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य में कड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। जोरदार नारेबाजी के साथ आभार प्रकट करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता वर्धा वैली के कार्याध्यक्ष बादल गर्गिलवार ने किया। प्रमुख उपस्थिति भारतीय मजदूर संघ चंद्रपुर जिला मंत्री प्रवीण मुनगंटीवार की रही। सैकड़ों की संख्या में कामगारों की उपस्थिति रही। CTV के हमारे विशेष प्रतिनिधि कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।